तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। आखिरकार कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। मंगलवार उन्होंने पार्टी मुख्यालय पर सदस्यता ग्रहण की और दल बदलने के कारण भी गिनाए। कन्हैया कुमार ने कहा कि आज देश में बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज यदि बड़े जहाजों को नहीं बचाया गया तो छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। कन्हैया कुमार की इस बात का सीधा सा मतलब है कि विपक्ष की एकजुटता का मतलब कांग्रेस की मजबूती। कन्हैया कुमार ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष की चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई शास्त्र कोई किताब उठाकर देख लीजिए। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है तो सत्ता तानाशाही रूप अख्तियार कर लेती है। यह बात सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि लोकसभा की 200 ऐसी सीटें हैं जहाँ बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा जहाज है। अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो लाखों करोड़ों युवाओं का आकांक्षाएं बचेगी। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ इस पार्टी से जुड़ा हो। कई बार यह सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर अगले लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा विपक्ष का चेहरा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद वो विपक्ष को एकजुट करने के लिए आ गई। दिल्ली का दौरा किया और इस कार्य में शरद पवार की ओर से भी कोशिश हुई। ममता बनर्जी की सोनिया गांधी के अलावा कई विपक्षी दलों के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात हुई। हालांकि इस दिशा में कोई बात आगे बढ़ नहीं सकी और सवाल उसी जगह की कौन विपक्ष की अगुवाई करेगा। आज कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की ओर से यह बात की कोशिश की गई कि कांग्रेस ही है जो बीजेपी का मुकाबला करेगी। देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया। क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, भगत सिंह के साहस की जरूरत है। आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है। गांधी जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी की एकता है। जब अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मूल्यांकन वहां महिलाओं की क्या स्थिति है इस बात से होगा, तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक समुदाय के नेता थे। कांग्रेस पार्टी ने, संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी और उस संविधान के प्रियम्बन में यह लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। इसमें समानता न्याय के मूल्य निहित हैं। और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं विचारों को नहीं, आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं, उस साहस की जरूरत है हमको।